अस्सलाम वालेकुम थर्ड क्लास, आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। टुडे इज़ 20th May 2021। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 63। थर्ड क्लास कल हमने जो किया था वो था पेज नंबर 63 के फर्स्ट हाफ की रीडिंग। आज हमने यहाँ से करनी है। देखें, रीडिंग करते हैं यहाँ पे। ऑन 22 जून 2010 में इट वॉज अनाउंस्ड, ये ऐलान कर दिया गया था बाई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की तरफ से, दैट उस्मान ख्वाजा वुड बी पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन विजिटिंग स्क्वाड टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान इन अ टू टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड। कह रहे हैं जी 22 जून 2010 में ये अनाउंस कर दिया गया था कि उस्मान तारिक ख्वाजा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की विजिटिंग टीम की तरफ से प्ले करेगा, किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, टू टेस्ट सीरीज़ में। वो टू टेस्ट सीरीज़ होनी कहाँ थी, इंग्लैंड में, ठीक है। अच्छा जी, आगे है ख्वाजा वाज चूजन, ख्वाजा को जो है चूज़ कर लिया गया था, चुन लिया गया था एज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द 17 मैन ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड फॉर द 2010-11 एशिया सीरीज। ख्वाजा को चुन लिया गया था एक बहुत ही अहम मेंबर के तौर पर, जो है 17वीं जो है ऑस्ट्रेलियन मेंबर के तौर पर, किस लिए जी 2010-2011 एशिया सीरीज में। आगे है जी, ड्यूरिंग द थर्ड टेस्ट, तीसरे टेस्ट के दौरान रिकी पॉन्टिंग ब्रोक हिज फिंगर, रिकी पॉन्टिंग ने उसकी जो क्या की, उसकी उंगली तोड़ दी। एंड ख्वाजा वाज नेम्ड एज अ स्टैंड फॉर द पॉन्टिंग, और जो है ख्वाजा जो है उसको जो है वाज नेम्ड उसका नाम एज अ स्टैंड बाय फॉर पॉन्टिंग। स्टैंड बाय होता है किसी एक जगह पर रुक जाना, किसी एक जगह पर किसी को रोक देना, ठीक है। उसको अपॉइंट कर दिया गया था, उसको रोक दिया गया था, एक नेम उसका जो है वो दे दिया गया था, ठीक है। मार्क द डेट, दोनों जगह पर जो है इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर, एंडिंग पॉइंट पर इसकी डेट लगा लें, ठीक है। इसके साथ ही प्रैक्टिस बुक की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस बुक पे कल हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था हमने, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। देखें जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट डाउन द नेम ऑफ द ख्वाजा क्लब साइड, ख्वाजा का जो क्लब साइड था उसका नाम क्या था, रैंडविक पेटर्शम क्रिकेट क्लब। ये हमने जो कल वाली रीडिंग की थी उसमें ये था, देखें यहाँ पे रैंडविक RANDWIC के, स्पेलिंग ध्यान से देखें, ध्यान से लिखने, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, रैंडविक पेटर्शम क्रिकेट क्लब, ठीक है। आगे है, व्हेन वाज ख्वाजा चूजन एज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द 17th ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड, जी आज हमने पढ़ा इन एशिज सीरीज में जो है वो चुना गया था, ठीक है, इतना ही काफी है इसका आंसर। ये देखें यहाँ पर वीडियो को आप पास करके स्टॉप करके जो है अपना लिख सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर आप लिखें। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपने जो है वो एच वक में करने हैं, ठीक है, थर्ड क्लास। और थर्ड क्लास डेली बेसिस पर जो है वो आपको बताया जा रहा है कि आप जब अपना एच वक करते हैं तो बेटे आप लोग अभी तक जो है उस बात को शायद ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे। जब आप एच वक करते हैं तो उसी नोटबुक के उसी पेज के ऊपर बेटे डेट, नेम, क्लास, सेक्शन, आईडी और सब्जेक्ट ज़रूर लिखा करें उसी पेज के ऊपर। आप क्या करते हैं, आपसे एच वो कर देते हैं, उसके बाद आप कैप्शन में जो है व्हाट्सएप में जब आप पिक सेंड करने लगते हैं तो आप कैप्शन में जाके जो है वही सारी जो है वो अपनी डिटेल लिखते हैं। तो आप ऐसे ना किया करें, नोटबुक के ऊपर ही आप रखा करें, वो हमारे पास पिक की सूरत में भी रिकॉर्ड रहता है और हम लोग जो है उसको नोट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है वह बहुत ध्यान रखा करें, ठीक है। और आपका काम जो है वो डे बाय डे जो है वो अच्छा होता जा रहा है, राइटिंग जो है पहले से बेहतर हो रही है, अकॉर्डिंग टू लाइंस हो रही है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा और आपको मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आपकी राइटिंग इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी तक जो है वो एच वर्क नहीं सेंड कर रहे हैं, तो बच्चों इसको सीरियस लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो एच वर्क जो है वो डेली बेसिस पे ज़रूर सेंड किया करें, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, अगर आपको मसाइल का सामना कुछ नहीं समझ आ रहा, तो वीडियो में बेटे आप PTM में जो है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है वो हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, फ़ी अमानिल्लाह।